अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज आवर लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्लास 6 इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर लेट्स फर्स्ट एवर लुक एट द मैसेज ऑफ द डे। तो आज का मैसेज क्या है? द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। के कामयाबी का जो मेन जरिया या मेन रास्ता है जो की है वो क्या है कि इज टू फोकस ऑन गोल्स, कि अपने गोल्स पर, अपने जो मंजिल है उस पर फोकस करें, नॉट ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जो रुकावटें होती हैं, जो रास्ते में आने में रुकावटें होती हैं, उनको ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने मंजिल की तरफ, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं तो आप जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं वो कुछ मैटर नहीं करती। ठीक है, आपने उन पे क्या करना है, उन पे ध्यान नहीं देना, आपका मेन फोकस आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, जब आप अपने गोल पे फोकस करेंगे, अपनी मंजिल पे फोकस करेंगे तो आप जो है वो उस तक पहुंच जाएंगे। आप मेहनत करेंगे और आपको ये जो रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं वो फिर कोई मायने नहीं रखेंगी उस चीज़ के आगे। ठीक है, आप उन्हें पार करते जाएंगे और एक दिन आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचते जाएंगे। तो कामयाबी का मेन जरिया ये है कि आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने अपना जो फुल फोकस है वो आपने उस पर देना है, चाहे स्टडी है, चाहे वो, ठीक है, आपकी कोई भी गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कितनी रुकावटें आ रही हैं, बस आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, सुनिए था हमारा मैसेज ऑफ द डे। चलते अपने लेक्चर पे, जो कि एक्सरसाइज है। हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, आज हम इसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ए पार्ट, एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल स्लीप एंड ड्रीम दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन टू अ ट्री बाई फेरोशियस पायरेट एंड रेड हेयर। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट के क्या कारण लीजिए, क्वेश्चन नहीं, उनके आंसर देने। क्वेश्चन 1 है, हु इज़ दिस अबाउट, सो द आंसर इज सैम इज ड्रीमिंग अबाउट जॉनी की। ठीक है, ये किसके के लिए था? तो ये था कि सैम जो है वो जॉनी के मुताबिक क्या देखता है, ड्रीम देखता है। Why is his sleep troubled? He has kidnapped Johnny, but the kidnap is not going according to the plan. So this is the answer of second question. Third question is, why is this a strange dream for this character to be having? So the answer is, Sam is the kidnapper, not the victim. But in this dream, the roles have been reserved. ठीक है, वो क्या कहता है कि जो सैम है वो किडनैपर है, ना कि वो विक्टम है। ठीक है, जिनको उन्होंने किडनैप किया, लेकिन इसके ख्वाब में क्या होता है कि जो रोल्स हैं वो आगे पीछे यानी कि चेंज हो गए हैं, वो खुद को देखता है किडनैप हुए। नेक्स्ट बी, आई थिंक मिस्टर डॉसेट इज जीनियस फॉर मेकिंग एज सच एन ऑफर। क्वेश्चन 1 इज, हु इज़ द स्पीकर एंड टू होम आर द वर्ड्स एड्रेस। ठीक है, ये किसने बोला था और किस को बोला था, ये अल्फाज किसके हैं और वो किसको मुखातिब करके बोलता है। सो द आंसर इज बिल टू सैम। ठीक है, बिल इज द स्पीकर एंड हिज वर्ड्स आर एड्रेस टू सैम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, हु इज मिस्टर डॉसेट एंड व्हाट इज हिज ऑफर। मिस्टर डॉर्सेट कौन था और उसकी ऑफर क्या थी? मिस्टर डॉर्सेट इज जॉनीज फादर, ही इज ऑफरिंग टू टेक जॉनी बैक आ द किडनैप इफ द किडनैपर्स पे हिम। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाई इज दिस ऑफर अनयूजुअल इन दिस सिचुएशन। इट इज यूजली द अदर वे राउंड, द रैंसम इज पेड इन टू द किडनैपर नॉट बाय देम। ठीक है, कि किडनैपर को देनी पड़ती है, ना कि किडनैपर से ली जाती है। ठीक है, तमाम, ठीक है, वो ऊपर क्या कहता है कि वो डॉटसन जो था वो उसका जॉनी का बाप था, जो क्या करता है, ऑफर देता है कि वो किडनैपर उन्हें पैसे दे। लेकिन ये अनयूजुअल क्यों है, क्योंकि जो तवान है वो के किडनैपर को देना पड़ता है, ना कि उनसे लेना पड़ता है। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज से होगी सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस अपने नोटबुक पे लिखने हैं। फर्स्ट आप यहाँ से क्वेश्चंस लिखेंगे, देन आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स एंड फ्रेसेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, डिस्कस देम फर्स्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, ये वाला जो आपका ये होम टास्क है, ये क्वेश्चन बी का पार्ट वन, पार्ट बी का क्वेश्चन 1, सॉरी।
सो ये आपने का होम टास्क है, आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारे अपनी एक्सरसाइज में सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको इतना कंसेप्ट हो गया होगा, इतना अंदाज हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं। सो आपने इन वर्ड्स को अपने खुद से सेंटेंसेस बनाने और नोटबुक पे लिखने हैं, दैट इज योर होम टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दी सेंटेंसेज फ्रॉम द पैसेज एंड चेंज दैम इन टू करेक्ट इंग्लिश। अब ये हमने पैसेज देखना है और इसे करेक्ट इंग्लिश में करना है, यानी कि यहाँ गलत सेंटेंसेज लिखे हुए हमने उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। ए बिल एंड मी हैड अबाउट $600, तो मी की जगह आई आता है, बिल एंड आई हैड अबाउट $600। बी इज आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, सो रोड नहीं आता ये इसकी आर आई डबल डी ई एन आता है, ठीक है, रिटर्न आई वॉज रिटर्न लाइक अ हॉर्स एंड इट ऑफुल सैम, सो इसका सही है इज इट नॉट ऑफुल सैम, ठीक है। इन्होंने वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफुल सैम सैंड, फिर आ गया इज नॉट एडिबल, ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इज नॉट लिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है, फाइंड टू आर मोर मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज योर डिक्शनरी, हर वर्ड्स के हमने दो या तीन से ज़्यादा मीनिंग्स का बताना है, लाइक सिनोनिम, जैसे कि हम वर्ड्स टू नो हर लेसन के स्टार्ट में करते हैं उसी तरह से। सो पहले है रैटल, रैटल का मतलब है वर्ब में अगर हम देखें मेक आर कास्ट टू मेक अ रैपिड स्ट्रीम ऑफ शार्प शार्प या नॉकिंग साउंड, ठीक है। नाउन में अ थिंग यूज टू मेक अ रैटलिंग साउंड, ठीक है, कि वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वो जो चीज़ यूज होती है उसको नाउन कहते हैं या फिर उस साउंड को हम लोग रैटल कहते हैं। आपने अब क्या करना है, आपने कोई से नाउन और वर्ब में से आपने कोई से एक अपनी नोटबुक पे इनकी मीनिंग लिखने हैं और इनको आपने याद करना है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला भाई ये दो से ज़्यादा हम लोगों ने मीनिंग्स बताने हैं, सो इस वजह से हम नाउन एंड वर्ब दोनों की मीनिंग देखते हैं कि दोनों में इनके क्या मीनिंग है। स्कॉल्प में नाउन क्या है, द स्किन कवरिंग द हेड, और वर्ब में है टू टेक द स्कॉल्प ऑफ एनिमी। होम का नाउन है अ प्लेस वेयर वन लिव्स या फिर द नेटिव हैबिटेट, वर्ब टू गो आर रिटर्न टू वंस रेसिडेंस। ग्लैंस वर्ब टू टेक अ ब्रीफ आर हरिड लुक, नाउन है अ ब्रीफ आर हरिड लुक। देन फिगर नाउन अ नंबर अ पर्सन्स बॉडी शेप, वर्ब टू कैलकुलेट आर वर्कआउट। प्रोमिनेंट नाउन है इम्पोर्टेंट वेल नॉन, ठीक है। स्टोर का वर्ब है टू कीप आर एक्यूमुलेट फॉर फ्यूचर। देन नाउन है अ क्वान्टिटी आर सप्लाई ऑफ समथिंग कैप्ट फॉर यूज एज नीडेड। कर्स कैर टू अटर ऑफेंसिव वर्ब इन एंगर आर अनायंस। नाइस कै अ साउंड स्पेशली वन दैट इज, ठीक है। देन है मूवमेंट अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एन एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम। ये थे हमारे जो मीनिंग्स वाला क्वेश्चन था वो, इसमें आपने क्या करना है आपने खुद से भी देखना है, जो मीनिंग्स आप ऐड करना चाहते हैं दो से तीन मीनिंग्स हमने लिखने हैं सो आप ऐड कर सकते हैं, वेदर इट अ नाउन वेदर इट अ वर्ड मैटर, ठीक है। जस्ट आपने दो तीन मीनिंग्स लिखने हैं। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, नाउ what is your task, you have to do your home task efficiently and regularly। आज का हमारा होम टास्क था ये पार्ट टू के क्वेश्चन जो आपने नोटबुक पे लिखने हैं। देन आपने क्या करना है, सेंटेंसेस जो आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं खुद से लिखने हैं। देन क्वेश्चन जो टू है ये आपने बुक पे सॉल्व करना है, एंड क्वेश्चन थ्री जो मीनिंग्स है दो से तीन ये भी आपने नोटबुक्स पे लिखने हैं। तो ये हमारा आज का टास्क है, सो डू इट केयरफुली and efficiently। Take care, Allah Hafiz.